हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एसवीसी किचन। तो दोस्तों, आज आप लोगों के साथ में बहुत ही क्विक सा रेसिपी चिकन का शेयर करने जा रहा हूँ। ये रेसिपी बहुत ही आसान है। जो कोई भी इस रेसिपी को देख रहा है वो आसानी से इस रेसिपी को अपने घर पे बना सकता है। तो बिना देर किए आइए शुरू करते हैं बनाना इस आसान सा चिकन रेसिपी को। ये खाने में बहुत ही टेस्टी रहेगा, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दिया है गैस पर। अभी मैं थोड़ा सरसों का तेल लूँगा और उसके बाद जैसे ही तेल गर्म होगा उसमें मैं थोड़ा लहसुन और थोड़ा जीरा का दाना डाल दूँगा। उसके बाद मैं कटा हुआ प्याज को बीच में डालूँगा और उसके बाद इसको अच्छे से भूनूँगा। जैसे कि आप देख ही सकते हो, मैं भून रहा हूँ अभी से। कुछ देर के लिए मैं इस मसाला को थोड़ा ऐसे ही करके भूनूंगा और उसके बाद मैं हरी मिर्च को इसमें डाल दूंगा। मैंने यहाँ पर दो कटा हुआ हरी मिर्च लिया है, इसके मैंने डाल दिया है और इसको भी अच्छे से चलाऊँगा। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा अदरक का पेस्ट डाल दूंगा और उसके बाद इसको भी अच्छे से मिला लूँगा। ये थोड़ा भुनने के बाद इसमें मैं हल्दी पाउडर भी मिला दूंगा। चिकन का कलर अच्छे से निकल के आ रहा है। अभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल दूंगा। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। चिकन देखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रहा है। इसको बनाने में बहुत ही आसान है दोस्तों, इसीलिए अपने घर पर एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। अभी मैं इसको ढक के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगा। चलिए अभी ढक्कन हटा के देखते हैं। देखिए दोस्तों, चिकन ने अपना ऑयल जो है रिलीज़ कर दिया है। इसका मतलब है चिकन ऑलमोस्ट पक चुका है। अभी देखिए, ये बहुत ही टेस्टी लग रहा है देखने में और बनाने में भी इतना आसान है दोस्तों। हर कोई इसको अच्छे से बना सकते हैं बिना स्पेशल मसालों के। अभी मैं थोड़ा यहाँ पर पानी डाल के इसको पकाऊँगा ताकि इसका ग्रेवी और अच्छे से निकल आए। जैसे कि मैंने पानी ऐड कर चुका हूँ, अभी इसको मैं फिर से ढक के थोड़ी देर के लिए पकने के लिए छोड़ दूंगा। उसके बाद मैं धनिया को इसमें ऐड कर दूंगा। देखिए दोस्तों, अच्छे से बन चुका है। अभी मैं धनिया को इसमें ऐड कर रहा हूँ। बहुत ही यम्मी सा चिकन बनके रेडी हो गया है। यदि आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। अगर आप फर्स्ट विजिटर हो, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, तो मेरे चैनल को बिना सब्सक्राइब किए बिल्कुल बाहर मत निकलिएगा मेरे चैनल से। आपका एक सब्सक्रिप्शन बहुत ही मायने रखता है। देखिए दोस्तों, रेडी हो चुका है हमारा यम्मी चिकन। जैसे कि आपने देख ही लिया है दोस्तों, ये चिकन का रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। अगर आप जल्दी जल्दी में है और आपके पास बहुत टाइम नहीं है कि अच्छे से प्रिपेयर कर पाए, तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि ये टाइम सेविंग भी है और टेस्ट में भी बहुत बढ़िया है। टेस्ट में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है दोस्तों। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन।
चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने गैस पे कढ़ाई रख दिया है। अभी मैं थोड़ा सरसों का तेल डाल रहा हूँ और तेल जैसे ही गर्म होगा इसमें मैं लहसुन और जीरा भूनूंगा। और मैंने यहाँ पर लहसुन और जीरा डाल दिया है और साथ में मैंने प्याज भी डाल दिया है। ये मैंने प्याज कट के रखा था पहले से ही।